हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ कामिनी शर्मा। आज जो है हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बिहाफ ऑफ योर एग्ज़ाम। आज हम जो चीज़ करेंगे वो है HPTGT एग्ज़ाम के कमीशन में जो 2018 मेडिकल में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम उन क्वेश्चंस को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम हर एक पार्ट को जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे और फर्दर आपके एग्जाम में भी ये चीज़ आपको हेल्पफुल हो। तो ठीक है, आज हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं, HPTGT मेडिकल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं केमिस्ट्री के, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज अ पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू। वो कह रहा है कि एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या कितने चीजें जो हैं उसमें प्रेजेंट हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उन्होंने क्या पूछा हुआ है, पी ऑर्बिटल पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, पी ऑर्बिटल में। उन्होंने पी सबशेल नहीं पूछी हुई है या पी शेल नहीं पूछी हुई है। आपको पता है कि एक पी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, 3, दैट इज px, py एंड pz। All you know about this? अगर तो उन्होंने पूछा होता कि p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके हिसाब से आंसर अलग बनता। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि एक p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो एक p ऑर्बिटल का मतलब है कि सिर्फ इतना सा पार्ट। तो कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स आते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, 2 ऑर्बिटल्स आते हैं और वो कैसे होते हैं, ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। सो दैट इज व्हाई इसका आंसर क्या होगा आपके पास, डी आंसर होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, कुछ लोगों का आंसर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, बट एक्चुअली में दिस इज रॉन्ग। 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, क्योंकि अगर तो उन्होंने पूछा होता कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे पी शेल में, देन द आंसर वुड बी 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो कैसे होते हैं, ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल इज। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट लाइन होती है ये किसी भी चैप्टर की, कि फर्स्ट अर्थ मेटल जो था, फर्स्ट रेयर अर्थ एलिमेंट जो था वो ये था। अब रेयर मेटल्स होते क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स 2 सीरीज होती है रेयर अर्थ मेटल्स में। तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है आपका, ऑप्शन थे आपके पास लैंथेनम, यूरेनियम, एक्टिनियम, सीरियम। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर ए, दैट इज लैंथेनम। लैंथेनम जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पाया जाता है। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर। किस मॉलिक्यूल का या किस अणु को रेखीय संरचना होती है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। अब बात होती है कि लीनियर स्ट्रक्चर होता कैसा है, उसमें एक सेंटर मेटल एलिमेंट बीच में होता है और साइड में आपके सेम टाइप के एलिमेंट्स जो है वो लगे होते हैं, और बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें स्ट्रक्चर आपका कैसा बनता है, लीनियर बनता है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला फॉर्मूला याद होगा, दैट इज 1/2। हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंटर मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, और प्लस आता था आपका एनायन और माइनस आता था आपका केटायन। ये एक जर्नल सा फॉर्मूला होता था। अगर आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से चलूंगी तो आ जाएगा 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आगे कोई भी मोनोवेलेंट आयन प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो वहां पे कुछ नहीं आएगा, ना तो कोई एनायन प्रेजेंट है ना तो कोई केटायन प्रेजेंट है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का मतलब क्या है कि ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा।
ऑब्वियसली बात है कार्बन यहाँ पे सेंटर में, डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया आपका 180 डिग्री, दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो आपका फॉर्म हो गया। अब NO2 का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा कि कैसा बनता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो NO2 का देखा जाता है, विच इज द बेंट शेप। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, आपके पास बेंट शेप होती है एंड सेम एज ऑफ SO2। तो आपका सही आंसर क्या है यहाँ पे, सही आंसर क्या है आपका यहाँ पे, आंसर ए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन सेंटर में होता है, ऑक्सीजन साइड पे लगे होते हैं, हैविंग द बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, सरफेस टेंशन जिसे आप पृष्ठ तनाव कहते हो, वो किस चीज के ऊपर, लिक्विड का जो पृष्ठ तनाव है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर तापमान के ऊपर या उनके बीच में जो अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, ये सरफेस एरिया या फिर जो सॉल्यूट जो है लिक्विड में डिजोल्व किया गया होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन जो है वो अट्रैक्शन फोर्सेस है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड की लेयर्स को आपस में अट्रैक्ट करवाता है और उसका गाढ़ापन जो है वो ज्यादा हो जाता है उस चीज से। तो सरफेस टेंशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे भी देखे होंगे, जैसे एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन है व्हाई द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही रेन ड्रॉप गिरती है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जब वो चीज कम हो जाती है तो वो जो लेयर्स है लिक्विड की वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं और वहां पे क्या होता है, उस चीज का सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो छोटा सा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, सरफेस एरिया के ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड नहीं करता है। और क्या चीज आपने इसमें याद रखनी है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर में क्या आ जाएगा आपका कि सरफेस टेंशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करूं तो जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा लिक्विड अच्छे से डिसॉल्व करोगे सरफेस टेंशन वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो किस चीज के ऊपर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड नहीं करता है, आंसर क्या है इसका, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है क्योंकि उसका तो काम ही है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। क्लियर। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। सरफेस टेंशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करती हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्ट बताए हुए हैं, देखिए जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो हाइयर क्या होगा आपका, सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कॉमन सेंस की बात है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होती है वैसे ही मॉलिक्यूल के लिए इजी हो जाता है टू स्ट्रेच द सरफेस। क्लियर इतनी सी बात, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सरफेस टेंशन किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सरफेस एरिया। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ डायरेक्टली वो प्रोपोर्शन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, सॉलिड स्टेट से जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैंने आप वो वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं जहां पे मैंने डिटेल्ड सिलेबस जो है वो बताया हुआ है ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो जब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस एक्सप्लेन किया था तो मैंने वहां पे बताया था कि सॉलिड स्टेट से एक डिफेक्ट से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और क्रिस्टल सिस्टम से और ब्रैगिस लैटिस से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये एक, अगर आप बुक देखेंगे अपनी तो बुक में जो है ये एक कॉमन सेंस NCERT में कॉमन सी लाइन दी गई है कि जो ट्राई क्लिनिक होता है दैट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्या होती है आपकी, क्रिस्टल लैटिस होती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी,
ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है, क्यों होता है अब ये चेक कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, क्यूबिक जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, सिमेट्रिकल। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्या है, क्यूबिक है, और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल जो है वो कौन सा है आपका, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो है वो आपका सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी, कोई भी एज लेंथ एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और ना ही कोई बॉन्ड एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है इतनी सी बात? चलो, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सी चीज रही आपकी, ट्राइक्लिनिक, और सिमेट्रिकल कौन सी रही आपकी, क्यूबिक रही। ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कैसे हो जाते हैं कि मान लो आपको हेक्सागोनल दिया होगा, पूछा होगा कि बताओ उसका जो उसकी बॉन्ड एंगल्स हैं या उसके जो एज लेंथीज हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। इनके जो एज लेंथ्स हैं इनके बारे में ये जो एक टेबल होता है वो आप अच्छे से लर्न कर लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव 4। वो पूछ रहा है कि जब एंट्रोपी चेंज होती है, अब एंट्रोपी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है, और वहां पे लॉस के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो एंट्रोपी से रिलेट करता है वो ये कहता है कि एंट्रोपी का मतलब क्या है, डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है कि जो चीजें बिखरी हुई होती हैं। तो एंट्रोपी किस केस में सबसे ज्यादा होगी, आइसोपोरिक में, आइसोबारिक में, रिवर्सिबल में, या इररिवर्सिबल में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास सी, दैट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया इरिवर्सिबल वाला। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ ल्यूइस एसिड। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा लीस्ट जो है वो ल्यूइस एसिड है। तो हमें पता है कि ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका 1/1 स्ट्रक्चर देखूं तो F1 क्या है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, प्लस प्लस हो रहा है, इसमें PF3 में भी प्लस हो रहा है, CO में भी। और अगर हम BF3 की बात करते हैं तो हमें पता है BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर टाइप जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, हैविंग द बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो इसमें क्या है, एक तो होता है कंसेप्ट जो लगता है, दैट इज द बैक बॉन्डिंग, और पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, सबसे ज्यादा वीकली ल्यूइस एसिड होता है, वीकली ल्यूइस एसिड होता है। ये आपने बहुत बार क्वेश्चंस प्लस 1 प्लस 2 में भी देखा होगा, वहां पे ये क्वेश्चन एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता था। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ल्यूइस एसिड कौन सा सबसे ज्यादा वीकेस्ट है, दैट इज BF3। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, BF3 है, F डोनेट कर रहा है, लेकिन फिर से क्या हो जा रही है, बैक बॉन्डिंग हो जा रही है, जिसे आप पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, जिसे आप पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं, और उसमें क्या होता है, पी ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई BF3 क्या है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट ल्यूइस एसिड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन Fe इन FeCO5, जिसे आप बोलते हैं पेंटाकार्बोनेट आयरन। ठीक है, तो इसमें उसने क्या पूछा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको निकालना आनी चाहिए। हमसे Fe की पूछी हुई है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, FeCO5। जिस चीज की हमने निकालनी है उसको हमने X मान लिया। अब CO क्या है आपका, न्यूट्रल लीगेंड, क्या है आपका, न्यूट्रल लीगेंड है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी X+0, विच इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे बाई चांस कोई चार्ज दिया होता तो वो इक्वल्स टू उतना आ जाता। तो ये कितना बन जाएगा, X=0, मतलब कि यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है आपके पास, 0 है। तो अब 0 यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, none of these. So the correct answer is option number D. Next,
इजी क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विच पेयर ऑफ आयंस, की जो हार्डनेस होती है वाटर की वो इनमें से किन किन पेयर्स की वजह से होती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम और पोटेशियम, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है बेरियम एंड जिंक। अब एलिमिनेशन करते हैं, पहले बेरियम और जिंक तो हो ही नहीं सकता, ये तो आएगा नहीं, पोटेशियम भी प्रेजेंट नहीं होता है तो वो दोनों ही कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन सी दैट इज कैल्शियम टू पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम टू पॉजिटिव की वजह से हमारा पानी क्या हो जाता है, हार्डनेस आ जाती है उसमें। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसके इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है, उसमें मिनरल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं, और सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, फ्यूअर ही मिनरल्स होते हैं। आगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स बता रखे हैं कि एक में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, और एक में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन जो है झाग इजिली बना देता है, कौन झाग इजिली नहीं बनाता है। क्लियर? तो कौन हमारे बालों के लिए ठीक रहता है, हार्ड वाटर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, ये बालों को ड्राई कर देता है और इसका तो कोई इफेक्ट होता भी नहीं है ज्यादा। तो ये चीजें जो है वो आपने पढ़ लेनी है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कहाँ से आएगा, या तो वो पूछ लेगा कि सोप के साथ उसका क्या बिहेवियर है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है मेनली, और या फिर यहाँ से ये पूछ सकते हैं आपसे डैमेजेस टू प्रॉपर्टी की, कौन चीजों को डैमेज कर देता है, तो जो हार्ड वाटर है वो डिपोजिशन कर देता है। तो समझ में आ गई बात, हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर। ये हम सिक्स क्लास से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, एक्टिविटी सीरीज के बारे में सारे लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम रिएक्टिव कौन है, सबसे पहले आता है आपके पास पोटाशियम, लिथियम है, सोडियम है या रुबिडियम है, इनमें से कौन मैक्सिमम रिएक्टिव है, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, सोडियम इज द हाईली रिएक्टिव, सी पार्ट इज द हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज। जब कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, ये क्रिस्टलाइन सिस्टम में पाया जाता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, जब चीजें बिल्कुल क्या है क्रिस्टल, यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन वर्ड है इसका मतलब क्या है कि चीजें क्या है, सिमेट्री में है, इतनी सिमेट्री में है कि जब आप इन्हें कट भी कर देते हो तो ये आपको प्रॉपरली क्या दे देती हैं, एजेस फॉर्म करके देते हैं, पूरा का पूरा क्यूब जो है वो प्रॉपरली बनता है, जिसमें आप हर चीज को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसमें से क्या होता है, चलो वन बाई वन देखते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो क्रिस्टलाइन से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये मेनली हम आइसोमेरिज्म कहाँ देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखते हैं। आइसोमॉर्फिज्म की बात करें तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो होते तो ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है बट इनकी शेप सेम होती है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन टू और मोर, यहाँ पे क्या होती है, शेप ही सेम हो जाती है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अमॉर्फिज्म तो होता ही क्या है, जिसमें इररेगुलरिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि इसमें जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। So the correct answer is answer B. Sorry. Next है basicity of orthophosphoric acid. बिल्कुल एक fact based question, अगर आपको पता है basicity क्या होती है तो आप निकाल सकते हैं, और उससे भी ज्यादा important है कि अगर आपको इसका structure पता है तो orthophosphoric का formula क्या होता है, H3PO4. Clear है, मतलब phosphorus आपका center में है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है और एक OH इधर है, OH इधर है एंड देन OH इधर। अब बेसिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगे हुए हैं जिनको हम रिप्लेसेबल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, 3 हाइड्रोजन्स हैं, दैट मींस कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या है, यहाँ पे 3 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी।
क्लियर इतनी सी बात। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4 होता है। कितने हाइड्रोजन डिनोट किए जा सकते हैं, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें, वही उस एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ? 3 लगे हुए हैं, तो 3 इसकी क्या है? बेसिसिटी है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है IUPAC से, इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO। अब CH3CHO ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और जब हम एल्डिहाइड ग्रुप देखते हैं तो उसमें, और जब उसकी नेमिंग करते हैं तो उसके एंड में क्या लगाते हैं? हम अल लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? IUPAC नेम पूछा हुआ है, नॉट द कॉमन नेम। तो एसिटल तो हो नहीं सकता, फॉर्माइल क्लोराइड भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोराइड तो है ही नहीं। बच्चे दो, मिथाइल एल्डिहाइड होगा या तो फिर इथेनल होगा। बट कितनी कार्बन प्रेजेंट है? 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? इथेनल। ठीक है, मिथ इथ 2 कार्बन ये होगी, इसलिए यहाँ पे आ गया इथ प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है तो प्लस क्या आ जाएगा इसके साथ? कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज अल। तो क्या बन गया आपके पास? इथेनल बन गया। क्लियर। और अगर इसका कॉमन नेम पूछा होता तो करेक्ट आंसर क्या होता? एसिटाल्डिहाइड, बिकॉज इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। तो कभी कभी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऑप्शंस में इथेनल भी दिया हो और एसिटाल्डिहाइड भी दिया हो, तब भी ध्यान से देखना है कि आपको कॉमन नेम पेपर में पूछा गया है या फिर IUPAC नेम पूछा गया है। क्लियर। तो CH3CHO का IUPAC नेम क्या होता है आपके पास? इथेनल होता है। नेक्स्ट, द मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में ये क्या होती है आपके पास? ऑर्थो पोजीशन। ये क्या होती है आपकी? मेटा पोजीशन। और ये क्या होती है आपकी? पैरा पोजीशन। ठीक है, तो उसने पूछा किसके बारे में? CH3 के बारे में। अब CH3 पॉजिटिव है तो मतलब वो क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो हमेशा याद बात रखनी है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपको जहां भी देखने को मिलेगा वो हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई द मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेटा पे तो वो करते ही नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो आपको देखने को मिलता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से कहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग। आप सबसे पहली बात यह कि फोटोकेमिकल स्मोग होती क्या है? जब सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं और जब वो एटमॉस्फेयर में आके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तब एक स्मोग निकलती है जिसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोग। और ये आपको कब देखने को मिलेगी? सुबह देखने को मिलेगी या दोपहर के टाइम पे? एक ब्राउन कलर का एनवायरनमेंट जो है आपके अराउंड हो जाता है। और कहाँ पे देखने को मिलती है? जहाँ पे पॉपुलेटेड सिटीज होती हैं या वार्म सिटीज होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपका लॉस एंजलिस हो गया, सिडनी हो गया, मेक्सिको हो गया, वहां पे ये चीज देखने को मिलती है। तो इसमें से पेरोक्साइनाइट्रेट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो ये तो भाई होगा ही होगा उसमें। उसने क्या पूछा हुआ है? नोट पूछा हुआ है। एक्रोलिन भी प्रेजेंट होता है, ओजोन भी प्रेजेंट होती है, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। हमेशा याद रखना है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपका एक्रोलिन भी आता है। और इसे आप क्या कहते हो? शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये पैन देखने को मिलेगा। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पैन भी है, हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी है, ओजोन भी है। ठीक है, तो ये चीज होगी और आपको कहीं भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्राई आइस इज, दिस इज द फेमस क्वेश्चन, ये पता नहीं कितने एग्जाम में ये आ चुका है. ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ठीक है, ड्राई आइस इतना याद रखना कि जो ड्राई आइस है वो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रोसेस शो करता है? सब्लिमेशन शो करता है. सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट. ये नहीं आएगा. ठीक है, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, उसको हम कहते हैं सप्लीमेशन. ड्राई आइस जिसे आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है. और इसकी जब ये प्रोसेस उल्टी जाती है, गैस से सॉलिड जाता है विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, उसको आप क्या कहते हो? डिपोजिशन कहते. क्लियर? नेक्स्ट ये देख लीजिए आप, ये होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल था. जैसे कि मैं कहती हूँ कि मोलैरिटी मोलैरिटी से न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, तो वो कह रहा है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्वड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 0.5 लीटर एंड व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? गिवन मास, कितना गिवन मास है आपके पास? 5.85 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? दैट इज 58.5 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? मास ऑफ NaCl जो क्या है आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैसे निकाल लिए? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, ये आ गया आपके पास 0.1 मोल्स. आगे मोलैरिटी में पुट कर दिया जितने मोल्स आए थे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, कितना वॉल्यूम दे रखा था उन्होंने 0.5. तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 0.2 मोलर आंसर आ गया. मतलब कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या था आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0.2 मोलर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम. इनमें से कौन सी मैग्नीशियम की ओर जो है वो नहीं है? तो हमें पता है कैर्नलाइट भी है, डोलोमाइट भी है, मैग्नेसाइट भी है, सी वाटर नहीं है. सी वाटर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? NaCl हो जाएगा. सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये मैग्नीशियम की ओर जो है वो नहीं है. मैग्नीशियम मैग्नीशियम ही नहीं, किसी भी एलिमेंट की ओर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं. तो आपको कुछ कुछ याद रखने हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल दे रखा है कि सोडियम की क्या होती है, एल्यूमिनियम की जो ये बॉक्साइट वाली है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं. फ्लेश पार के ऊपर भी और क्रायोलाइट के ऊपर भी. एक बार मैंने एक पेपर में देखा था, क्वेश्चन आया हुआ था कि एल्यूमिनियम की एक और है, वो बताओ कि कौन सी और है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है. तो अगर आप एल्यूमिनियम की ओर्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है. तो उन्होंने ऑप्शन में क्रायोलाइट दे रखा था. तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है जिसमें उन्होंने सारे के सारे जो है ओर्स दे रखी थी एल्यूमिनियम की, और पूछा हुआ था कि किस ओर में एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है. तो आपको फॉर्मूलाज भी जो है वो थोड़े बहुत पता होने चाहिए, तभी आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. क्लियर? पोटेशियम की है, मैग्नीशियम की है. अब एक और होती है लेड की, जो है वो पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है, जिसकी क्या होती है? गैलिना होती है. मरकरी की क्या होती है? सिनेबार होती है. ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आयरन की क्या होती है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होती है. क्लियर? और यूरेनियम की क्या होती है? पिच ब्लेंडर होती है. और थोरियम की क्या होती है? मोनाजाइट होती है. तो ओर्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है. कॉपर की भी पूछ सकते हैं जिसमें क्यूप्राइट वगैरह आती है, जिंक की आती है जिसे आप जिंक ब्लेंडर कहते हैं. तो ओर्स का पता होना विद फॉर्मूलास जरूरी है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल. अब मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या है? कि वो इजिली रिएक्ट नहीं होता है और बाकी के सारे क्या हो जाते हैं? रिएक्ट हो जाते हैं. अब रेड और व्हाइट है जैसे, वो कहाँ पे यूज होते हैं? वो तो हाईली रिएक्टिव है क्योंकि वो आप मैच बॉक्स में या मैच स्टिक में आप उसको देख सकते हो. लेकिन जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो थर्मोडायनेमिकली क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड. यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो. व्हाइट फॉस्फोरस क्या है? हाईली टॉक्सिक है एंड कैन इग्नाइट व्हेन एक्सपोज टू एयर. जैसे हवा में छोड़ोगे तो एक धमाका हो सकता है. रेड फॉस्फोरस भी सेम है, वो भी इग्नाइट कर जाता है. ब्लैक फॉस्फोरस थोड़े कम प्रेशर पे करता है. ठीक है,
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोस्टली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और ये क्या है थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है, मतलब कि ये क्या है लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो चीज कम रिएक्टिव होती है वो क्या होती है स्टेबल होती है। क्लियर। नेक्स्ट, कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, अब उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन बोल रखा है कॉपर सल्फेट का, मतलब कि ये किसमें किसके साथ क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। तो आपको पता है जब कॉपर सल्फेट वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाता है, फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उस टाइम इसका कलर क्या होता है आपके पास ब्लूइश कलर का ये हो रहा है, ठीक है। तो उसने बोला है कि जब ये ब्लूइश कलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो किस कलर की फ्लेम निकलेगी, किस कलर का कंपाउंड बनेगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज ऑरेंज रेड। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्योंकि ब्लू तो वो पहले से ही है, क्योंकि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसे ब्लू विट्रोल के नाम से भी जानते हो वो नेचुरली क्या होता है ब्लूइश इन कलर होता है, और जब आप उसमें से लाइट पास करोगे तो जब लाइट पास होगी वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे कंपाउंड्स, तो वो लाइट जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ऑरेंज रेड कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन गिव्स, सबसे पहली बात तो डिहाइड्रोक्लोरिनेशन क्या होती है, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन क्या है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है जहां पे आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये बात भी हमेशा याद रखनी कि जो डिहाइड्रोक्लोरिनेशन है उसमें कौन सी चीज बाहर निकलती है, HCl बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोपेडाइन बनेगा। क्लियर, अभी इसकी रिएक्शन दिखा देती हूँ, देखिए। और ये भी याद रखना है कि एलाइलिक कार्बन क्या होती है, जब कार्बन जो है एक साइड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है और दूसरी साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ओके, तो जब आपने इसकी आयनाइजेशन की, पहली बात तो ये कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, स्लो स्टेप होगा, और एंड में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसे आप क्या कहेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन डाइईन आदि से जो है वो कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले तो फिनोल का ये रिएक्शन जो है वो +1 में थी, ठीक है। तो फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है, OH लगा होता है, तो जब आप उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब रिएक्शन भी देख लीजिए, देखो ये था फिनोल, फिनोल की रिएक्शन NaOH और CO2 के साथ करवाई गई, तो यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे OH ही रहा और बाकी की चीजें कहाँ पे आ गई, यहाँ पे सोडियम ऑक्सलेट आ गया यहाँ पे, और नीचे जब आपने H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वो रिएक्शन की तो आपके पास क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया। क्लियर, ये +1 +2 में ये रिएक्शन हम डायरेक्ट किया करते थे, तो देख लो +1 +2 को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है फॉर द TGT कमीशन एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन इसे बाहर से नहीं आता है, या हाई लेवल का आएगा तो वो भी BSc लेवल तक का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज, क्या होते हैं वो, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं, एक्टिव होते हैं, ये कंपैरेटिवली इनर्ट होते हैं। तो तो जो आपके पास ईथर होते हैं जिसे आप ROR भी कहते हैं, तो इसमें होता क्या है कि स्टिरिक हिंड्रांस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रांस बहुत ज्यादा हो जाती है, होती क्या है ये, जब बहुत ज्यादा क्राउड बन जाता है एक एटम में, तो उस चीज की वजह से। और इसका क्या होता है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, क्या होती है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन एटम है ईथर्स में वो क्या हो जाता है, कंपेरेटिवली इनर्ट हो जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये रहा इसका स्ट्रक्चर ईथर का, CH3 है, O है, CH3 है, तो बहुत भीड़ भाड़ वाली चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेरिक रेजिस्टेंस हो जाती है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, और इनर्ट हो गया बिकॉज इट हैज द टू एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, ज्यादा स्टेरिक रेजिस्टेंस हो चुकी है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो नाइट्रेशन रिएक्शन मोस्ट इजिली, तो वो पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से नाइट्रेशन रिएक्शन है वो कौन जल्दी से कर देता है,
ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए बेंजोनाइट्राइड, बेंजोइक एसिड एंड बेंजा एल्डिहाइड, ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रेशन इजिली नहीं हो पाएगी, सो तो बचा क्या हमारे पास, बेंजीन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेंजीन। ठीक है, सो आंसर ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि वो सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप्स थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही थी फिनाइल रिंग के ऊपर, कम हो जाती थी एज कंपेयर टू द बेंजीन, देयरफॉर बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन मोर इजीली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि कौन सा कंपाउंड टेस्ट देता है कौन सा नहीं देता है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो वहां से कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या था आपके पास, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कभी भी जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता है, तो एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये दे रखा है मैंने, तो हमने क्या पढ़ा कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो फॉर्मिक एसिड के साथ जो है जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो एसिटिक एसिड के साथ जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं देता है, और जो भी फेलिंग सॉल्यूशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग है, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, जिनमें आपके क्या है CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्या है आपके CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनके साथ ये क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और एसिटिक एसिड के साथ जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आ गया कि जो CH3COH है एसिटिक एसिड है वो फेलिंग सॉल्यूशन को जो है वो रिड्यूस नहीं करता है, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, और ये बाकी सारे करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द CHO ग्रुप। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है, तो फेलिंग सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ए में कौन सा प्रेजेंट होता है और बी में कौन सा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है उसमें आपका क्या पाया जाता है, एक्विस कॉपर सल्फेट पाया जाता है, और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है उसमें एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे आप रॉचेल सॉल्ट से नाम से जानते हैं, ये चीजें जो है वो पाई जाती है। और यहां से क्वेश्चन जो है वो पहले भी आ चुका है कि किस टाइप की पीपिटीज फॉर्म होती हैं, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं जब भी कोई भी कंपाउंड फेलिंग सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो एक बात क्या याद रखनी है कि एसिटिक एसिड फेलिंग सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है, और जो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं वो एंड में किस कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन्स गिव, कोई भी एसिड एनहाइड्राइड है जब वो प्राइमरी एमीन्स के साथ रिएक्शन करेगा तो वो किस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, प्राइमरी एमीन क्या होता है, 1 डिग्री एमीन, जिसे हम 1 डिग्री एमीन जिसे आप कहते हो। ठीक है, एक ही टाइप का, एक एच प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ वो कैसा बना देगा, एमाइड की फॉर्मेशन जो है वो कर देगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट अगर रिएक्शन देखेंगे तो देख लीजिए, RCO2O ये ऐसी चीज लिखी हुई है, इसे आप क्या कहते हो, एसिड एनहाइड्राइड कहते हो, दिस इज व्हाट, 1 डिग्री एमीन है ये, और जब आपने इसकी रिएक्शन करी तो NH2 की फॉर्मेशन होगी, साथ में CO बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसे आप क्या कहते हो, एमाइड कहते हो। और ये चीज भी याद रखना है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन अगली बार थोड़ा उल्टा पूछ ले कि किस प्रोडक्ट की कौन सी चीज साथ में निकलती है, तो आपको याद होना चाहिए कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो साथ में हो सकती है। तो एसिड एनहाइड्राइड जब भी प्राइमरी एमीन्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, एमाइड्स की फॉर्मेशन होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जब आपस में कोई चीज रिएक्ट होती है और साथ में जो है एज अ प्रोडक्ट भी कोई चीजें निकलती है, जैसे वाटर निकल गया या कोई गैस निकल गई, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। तो उसकी वजह से इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है डेक्रन, न्यूप्रीन, एक्राइलोनाइट्राइल एंड टेफ्लॉन। तो इसमें से जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो कौन सा है आपका,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज डेक्रन क्या है आपका, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शंस विथ टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में कितने डिफरेंट, कौन कौन से डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स यूज किए जाते हैं, तो बाई भी यूज कर सकते हैं और ट्राई को भी यूज किया जा सकता है। और इस टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में स्मॉल टाइप्स के मॉलिक्यूल जैसे जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये सभी चीजें जो है वो टेक्स प्लेस करती हैं, ये चीजें भी साथ में निकलती हैं। तो डेक्रन क्या है आपका, एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। पॉलीमर चैप्टर्स में आपको मोनोमर यूनिट्स का पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोइड कैन नॉट बी कोगुलेटेड इजीली। कोगुलेशन क्या होती है, अब जब आपने मॉलिक्यूल्स को आपस में मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक आयंस या मॉलिक्यूल से, तो उससे क्या होती है, कोगुलेशन होती है। तो कोगुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो प्रोसेस आपकी क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। आई मीन टू से जैसे लायोफिलिक हो गया, जो वाटर लिविंग सोल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कोगुलेशन को शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ था कि कैन नॉट बी कोगुलेटेड, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रिवर्सिबल कोलोइड्स, जिन्हें आप क्या कहते हो साथ में, लायोफिलिक कोलोइड्स भी कहते हो। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यही कहती है कि जो लायोफिलिक सोल होते हैं, जिसे आप रिवर्सिबल कोलोइड्स के नाम से भी जानते हो, वो क्या होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, और इन सॉल्यूशंस को कोगुलेट करना इजी जो होता है वो नहीं होता है। स्टेबिलिटी किस वजह से आती है, चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेशन ऑफ कोलोइड की वजह से। ठीक है, और कोलोइड कोगुलेशन होती क्या है, जब आपने एग्रीगेशन करवाना है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का किसी भी मीडियम में थ्रू द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक आयंस, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। और क्या क्वेश्चन था, कौन कोगुलेशन को शो नहीं करता है, रिवर्सिबल जो कोलोइड्स होते हैं वो नहीं करते हैं, रिवर्सिबल में कौन आता है, लायोफिलिक आता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल रहेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन PYQs को भी एक बार आपने गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।